हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल यसी क्रिएटिव कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से हम सलवार की बेल्ट को बनाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने अपनी बेल्ट के कपड़े को ले लिया है और इस तरह से हम इसके ओपन वाले पार्ट को इस तरह से अटैच करेंगे और इसमें सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद में हम इसे इस तरह से बीच से खोल लेंगे और इसके साइड के कॉर्नर को इस तरह से मोड़ के इसमें मशीन चलाएँगे। तो देखिए हमने इसमें मशीन चला ली है। अब इसको हम खोल के बीच में इस तरह से करेंगे और फिंगर्स इसमें प्रेस कर लेंगे और दोनों साइड के कॉर्नर को अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसमें मशीन चलाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें पूरे में मशीन चलानी है। और बेल्ट बनाना बहुत ही आसान है और इसकी कटिंग मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर की है आप लोगों के साथ में। तो ये देखिए इस तरह से हम करेंगे और लास्ट में जब आएंगे तो इस तरह से हम चापे को उठा लेंगे और नीडल को नीचे ही रखेंगे और फिर इसके बाद में साइड में घुमाते हुए दूसरी तरफ ले आएंगे और फिर से इस पर पूरे में सीधी मशीन चला देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो बेल्ट का जॉइंट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद में हम इसके नेपी वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें कपड़ा हमारे पास पर्याप्त है इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर से ही डायरेक्ट फोल्ड कर दिया। इसमें हम अलग से कपड़ा नहीं लगाएंगे और एक्चुअली ये थोड़ा बड़े साइज़ का सलवार है तो इसमें हमको बेल्ट 10 इंच की लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद में इस तरह से मोड़ते हुए जहाँ तक हमारा मेन नाप है तो उसे 1/2 इंच मार्जिन देते हुए फोल्ड करेंगे और पूरे में सीधी मशीन चला देंगे। और फ्रेंड्स, ऊपर की हमारी सिलाई सीधी है इसके लिए आप बहुत ही इजी मेथड यूज कर सकते हैं कि ऊपर साइड से आपने जितना कपड़ा फोल्ड किया उसका आप मेज़रमेंट ले लीजिए और पूरे कपड़े में लंबाई में उतने ही उतनी मेज़रमेंट में कपड़े पर निशान लगाते जाइए और सिलाई करते जाइए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 1.25 इंच हमारा कपड़ा है और इसी तरह से हम आगे भी 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए 1.25 इंच पे मैंने यहाँ पे इंची टेप रखा हुआ है और यहीं पे सीधी मशीन की मैं सिलाई दे रही हूँ। तो इस तरह से हमारा नेफा जो है वो पूरा सीधा सिल के तैयार हो जाएगा और हमारा जो बेल्ट है वो कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इक्वल इसकी आपकी स्टिचिंग है, इसके लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से लास्ट में जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ पर ला के हम अपनी सिलाई को पक्का कर लेंगे और इस तरह से हमारा जो बेल्ट है वो सिल के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारी बेल्ट बन के रेडी हो गई है। और इसके जो बीच वाला पार्ट रहेगा उसको मैं इस तरह थोड़ा सा फैलाएंगे तो इसमें जो टाँके हैं वो दिखाई देंगे और इन्हीं टाँकों को हमें कट कर देना है। तो यहाँ से हम अपना नाड़ा जो इसमें अटैच कर लेंगे या इलास्टिक अगर आप डालना चाहते हैं तो इलास्टिक अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हमारी पटियाला सलवार की बेल्ट रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।